हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो खंडवा जंक्शन पर आधारित है। दोस्तों, 8 जुलाई को सेंट्रल रेलवे भुसावल के DRM भुसावल से खंडवा तक अप और डाउन ट्रैक का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 और शहर की ओर सर्कुलेटिंग एरिया के नक्शे भी देखे। दोस्तों, खंडवा में DRM ने कहा कि पेंडिंग कामों को ही प्राथमिकता दी जाए और उन्हें ही पूरा किया जाए। उन्होंने कोई भी नया कार्य शुरू करने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों को पैसे देने के लिए बजट नहीं है, अतः नए निर्माण कार्य की शुरुआत ना की जाए। गौरतलब है कि छोटी लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 को गेज परिवर्तन के तहत उच्च लेवल का बनाने व बुकिंग एवं पार्सल और यात्रियों के लिए रेस्ट रूम भवन का निर्माण प्रस्तावित है। पर्याप्त बजट न होने का हवाला देते हुए ये कामों को DRM ने अभी फिलहाल चालू करने से मना कर दिया है। इस वजह से प्रस्तावित काम अटक सकते हैं। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे के तहत आने वाला खंडवा जंक्शन हमेशा से उपेक्षाओं का शिकार रहा है, चाहे वो सुविधाओं की बात हो जो स्टेशन व प्लेटफॉर्म परिसर में मिलनी चाहिए या किसी नई ट्रेनों के स्टॉपेज की बात हो। पिछले 2-3 सालों में अधिकतर जो भी गाड़ियां नई चालू हुई हैं उनमें से बहुत कम नई गाड़ियों के स्टॉपेज खंडवा में दिए गए हैं। अब ये उपेक्षा नहीं तो क्या है? खैर, इस बात पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 8 जुलाई की सुबह 10 बजे के करीब DRM खंडवा आए थे। वह उन्होंने खंडवा पहुँच के खंडवा के स्टेशन व प्लेटफॉर्म का जायज़ा लिया। इसके बाद वह करीब 12:30 बजे वापस भुसावल रवाना हो गए। दोस्तों, जब DRM ने खंडवा का दौरा किया तब वे खंडवा के माल गोदाम भी गए जो घासपुरा में स्थित है। वहाँ का भी DRM ने जायज़ा लिया था। दोस्तों, अब हम बात करें गेज कन्वर्जन की, तो सनावत से मथिला तक ट्रैक बन के तैयार है। बहुत जल्द सनावत मथिला खंडवा ट्रेन चल सकती है और उम्मीद ऐसे करते हैं कि हो सकता है डेमो ट्रेन चालू हो जाए। अब अगर वह ट्रेन खंडवा आती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 का निर्माण कार्य अभी रुक जाएगा, तो वो जो डेमो ट्रेन सनावत से आ रही है उसको हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ले सकते हैं और वापसी में जब उस डेमो ट्रेन को वापस सनावत जाना हो तो वो डेमो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब इसमें यह था कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 के अधूरे कार्य से हमारी जो नई ट्रेन चलेगी सनावत से खंडवा तक उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि खंडवा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 का कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो और ये प्लेटफॉर्म भी अपनी सुविधाएं देने लग जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।